हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुड ज्ञान पर। मैं हूं गणेश और आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। यह वन ऑफ दी प्रमुख फेस्टिवल्स में से है जो कि हिंदू कम्युनिटी 5 दिनों तक सेलिब्रेट करती है। जो दीपावली का वर्ड है वह दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दीपा जिसका कि मतलब होता है लैम्प, लाइट या दिया भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आवली का मतलब होता है वह होता है सीरीज। तो दीपावली का जो टोटल वर्ड है उसको मिलाकर बनता है सीरीज ऑफ लाइट। इस दिन सभी लोग अपने घरों को साफ सफाई करते हैं, घरों की सजावट करते हैं, सीरीज ऑफ लाइट्स लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि ये जो लाइट्स होते हैं वो उन्हें इस वर्चुअल डार्कनेस से प्रोटेक्ट करता है। लास्ट कुछ दिनों में देखा गया है कि दीपावली एक नेशनल फेस्टिवल बन चुका है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नॉट ओनली बाय हिंदू कम्युनिटी बल्कि जो दूसरे कम्युनिटीज हैं वो भी इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते। यह एक इंटरनेशनल फेस्टिवल भी बन गया है क्योंकि देखा गया है कि यह फेस्टिवल जो है नॉट ओनली सेलिब्रेटेड बाय इंडियंस इन इंडिया बल्कि जो इंडिया के आउटसाइड हैं वो भी इसको बड़े ही धूमधाम से इंडिया के बाहर भी सेलिब्रेट करते हैं। यदि अदर कम्युनिटीज की बात करें तो जैन हैं जो इसको एज अ निर्वाणा सेलिब्रेट करते हैं, इसमें स्पिरिचुअल अवेकिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा के इज्म है। कम्युनिटी वो गुरु हरगोविंद सिंह जी जो इनके सिक्स्थ सिख गुरु थे उनके जेल से फ्री होने की खुशी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। बुद्धिस्ट भी हैं जो इसको एज अ दिवाली ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यह त्योहार को मनाने की अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने उनके आने की खुशी में घरों को अपने दिए से सजाया था और पटाखे फोड़े थे। साउथ इंडिया में ये मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुरा का वध किया था, यह सेलिब्रेशन किया जाता है। जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर यह मान्यता है कि भगवान विष्णु ने धरती माँ को सुरक्षा देने के लिए पाताल लोक भेजा था बाली को और इस खुशी में लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली का जो त्योहार है वह 5 डेज का त्योहार है, 5 दिन बड़े ही धूमधाम से लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो पहला दिन होता है इस दिन लोग अपने घरों को क्लीन करते हैं और किचन यूटेंसियल और इसके अलावा गोल्ड खरीदते हैं, इस दिन को लोग धनतेरस भी बोलते हैं। जो दूसरा दिन होता है इस दिन लोग अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं और मिट्टी के दिए जलाते हैं। जो तीसरा दिन होता है यह प्रमुख दिनों में काउंट होता है क्योंकि इस दिन सारे फैमिलीज वाले मिलके माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वेल विशेस मांगते हैं। जो फोर्थ डे होता है इसको परीवा भी बोलते हैं, साल का पहला दिन होता है और इस दिन सभी फ्रेंड्स और फैमिलीज मिलकर एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे खाने का एंजॉय करते हैं। जो पांचवा दिन होता है इसको भाई दूज बोलते हैं, इस दिन भाई अपने मैरिड सिस्टर्स के घर जाते हैं, उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, प्यार साझा करते हैं और लाजवाब खानों का एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को एडवांस में विशिंग यू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, साथ ही यह भी बताएं आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।